संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में यह प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए संसद की संयुक्त समिति का गठन किया है। साथ ही इसके लिए निचले सदन के 21 सदस्यों को नामित किया गया है और राज्यसभा से 10 सदस्यों को नामित करने वाले प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दी। इस संयुक्त समिति में लोकसभा से जिन 21 सदस्यों को शामिल किया गया है, उनमें भारतीय जनता पार्टी के हैं और कांग्रेस के 3 सांसद शामिल हैं। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में ये प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। समिति को शीतकालीन सत्र से पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक रिपोर्ट देने के लिए कहा। संयुक्त समिति में भाजपा से जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता संगारंगी, संजय जायसवाल, दिलीप सैकिया, अभिजीत गंगोपाल दाध्याय और डी के अरुणा को शामिल किया गया। कांग्रेस से गौरव गोगोई, इमरान मसूद और मोहम्मद जावेद को इस समिति में हिस्सा बनाया गया। समाजवादी पार्टी के सदस्य मौलाना मोहिबुल्ला नवदी, तृणमूल कांग्रेस से कल्याण बैनर्जी, द्रमुक ओ ए राजा, तेलुगु देशम पार्टी से लावू श्री कृष्णा, जनता दल के दिलेश्वर कामत, शिवसेना के अरविंद सावंत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुरेश गोपीनाथ महतरे, शिवसेना के नरेश गणपत, लोक जनशक्ति पार्टी के अरुण भारती और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी को भी इस समिति में शामिल किया गया। लोकसभा ने राज्यसभा के अनुशंसा की है कि वो इस संयुक्त समिति के लिए 10 सदस्य का चयन कर निचले सदन को सूचित करेंगे। सरकार ने वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबोधित विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पेश किया, जिसे सत्तापक्ष व विपक्ष ने बीच तीखी चर्चा के बाद संयुक्त समिति के पास भेजने के बाद फैसला हुआ। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन के वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया और विभिन्न दलों की मांग के अनुसार विधेयक को संसद की संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मैं सभी दलों के नेताओं से बात करके इस संयुक्त संसदीय समिति का गठन करूंगा। सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से यह मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहां उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरु भाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, ये तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है, ये भ्रम फैलाना। अंडर रूल 72 टू अपोज द WAF amendment bill, sir, I oppose the introduction of the bill under rule 72(2) on the grounds that this house does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided in article 14, 15 and 25, sir. It is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. Sir, one thing has to be understood that the WAF management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to Waqf al-Aulad under Clause 4 and Waqf by user under Section 3(r)(1), government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you are doing over here,
A Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do. I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah Subhanahu Wa Taala. Now you are stopping me from praying. मुझे लगता है कि इन सभी को वक्फ पे कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छे स्कूल्स बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, ये इनको नहीं चाहिए। इनको सिर्फ जो है इनका वोट बैंक जो है, ये वोट बैंक खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए जो है यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। मैं आज ये बोलकर फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जनाब सदर, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैं वाहिद आदमी हूँ इस सदन में जिसमें वन मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के, और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की, आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, चूंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आए, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने टू मैन कमेटी बनाई और टू मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी, जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पास शुदा है कि हम पार्लियामेंट के जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूक का। इसी तरह से सर सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर हिंदू एंटोमन में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। चार धाम में ये लिखा हुआ वाजे तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है, लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर, सर मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक्फ खाने काबा मक्के में है, क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक्फ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है, इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को उसकी पवाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में, मैंने सर पूरा मैंने उसको मध्यम से पढ़ा है और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो अभी ये दादा बोल रहे थे कि मेरा क्वेश्चन से मुसलमान है क्या, मेरे क्वेश्चन से बहुत मुसलमान वोटर है। सो गए इसको बताइए, सो गए इसलिए मैंने कहा ना दादा, आप हर समय मत बोलिए, नींद आ जाएगा आपको।